मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर इतना प्रेम किया, प्रतिदिन आपसे बातें कर रहा है, ना केवल हमारा जीवन में वादा देता है और कैसे प्रार्थना करना है उसको हमें सिखाता है, किस ढंग से विश्वास रखना है उसको भी हमें सिखाता है, प्रतिदिन की जीवन में कैसे संघर्ष को पार करना है इसको भी प्रभु हमें सिखाता है। आज एक भक्त की प्रार्थना को हम अध्ययन करेंगे। भजन 65 अध्याय का 3 वचन में, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। इस संसार में देखिए अधर्म बढ़ गया है और हालातों को देखने से आप कहते हैं जहां रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, जहां काम करते हैं, जहां हम कार्य आगे बढ़ते हैं, जहां जिस गांव में रहते हैं वहां अधर्म बढ़ गया। कभी कभी उस अधर्म जो है हमें भी ढांप देता है ना। आजकल की दुनिया को देखिए, पाप इतने बड़े रूप से पैमाने पर फैल गया है। हम जिस काम में सेलफोन का यूज करते हैं या किसी किसी बातों में माध्यम यूज करने से वहां पर भी पाप आसान से आ जाता है। कभी कभी उस पाप से हम भी फंस के गिर जाते हैं। जब परमेश्वर के संतान पाप में गिर जाते हैं उस वक्त ईश्वरीय शांति को, ईश्वरीय उस आशीष को खो जाने के जैसे मन में दुख लगता है। इसलिए वचन में कहता, हे प्रभु तू ही हमारे अपराधों को हमारे मन से तो दूर करता है। उस पापों को दूर करके हमें पवित्र करके शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह शुद्धिकरण के रूप में हमारे लिए क्रूस पर मर के वो कुर्बान हुआ। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करता है। जब सच्चे मन से यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, ए यीशु तू ही तेरे लहू के द्वारा हमारे अपराधों को और पापों को धोना है, तब यीशु मसीह का लहू हमें धो के शुद्धिकरण करता है, एक नए मन को, पवित्र मन को हमें देता है। आज आपका मन में एक बारीपन है, आप पाप में जो है फंसे हुए हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पास अर्पण करेंगे। यीशु मसीह आपके पापों के बोझ को आपके दिल से दूर करेंगे। कभी निराश नहीं होना, हमें एक ही काम करना, हे प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया, मेरे जीवन में ऐसे पाप मैंने कर दिया। सच्चे दिल से परमेश्वर से यदि माफी मांगेंगे तुरंत यीशु मसीह क्षमा करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस दुनिया में पाप तो भरा हुआ, कभी कभी इस पाप में हम भी फंस जाते हैं, लेकिन आज हम अर्पण करते हैं, तू हमारे दिल को साफ करना, यीशु के लहू से तू साफ करना, तू आज साफ करता, नए हृदय को देता है। स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।